सबका परिचय, उसके बाद डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगी। अरिला सिंह जी प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो रहे हैं। राकेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, डिबेट का हिस्सा है। दीपक झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरिला जी, जाहिर है कि सरकार ने बड़ा प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस बार सरकार ने कोई तारीख भी नहीं दी है। आगे क्या संकेत है इसके? देखिए, संकेत तो स्पष्ट है, शुरुआत से ही संकेत स्पष्ट है। अगर कोई संकेत ना समझना चाहे तो उसका तो मैं उसकी मदद मैं नहीं कर सकती। संकेत यही है ना कि भाई आपने अभी तक एक बेहद क्लासिकल तरीके से आप खेती बाड़ी करते आए हैं, और इतना बड़ा देश है, इतना महान देश है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो कृषि जो है राज्य का क्षेत्र होते, तो पंजाब के जो कृषि मंत्री हैं, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, वो ख्याल रखे ना अपने किसानों का। ऐसा क्यों हो रहा है कि पंजाब का जो किसान है उसका जो कर्ज है, अगर हम उसको कंपैरिजन करते हैं उसके अर्बन काउंटर पार्ट से, उससे कहीं ज्यादा है, 36% ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसान नेता, ये देखिए बैठक के बाद जो आज तेवर नजर आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर समझने में थोड़ा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आज तेवर अलग नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, ओवर टू यू शालिनी। लक्ष्मी, देखिए यहाँ पर आपको हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आप जो किसान नेता है वो बाहर आना शुरू हो चुके हैं। आप देखिए मीडिया की भी हलचल तेज हो चुकी है, जमावड़ा यहाँ पर आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। शायद अंदर बिल्कुल बिल्कुल हम लक्ष्मी बात करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और सुनाते हैं आपको। हम अंदर कहीं रुख कर रहे हैं, आवाज मिलेगी अब आपको। जाहिर तौर पर आज जब बैठक से किसान बाहर निकल रहे हैं तो उनका क्या कहना है? सरकार ने अपनी तरफ से सबसे बेहतर प्रस्ताव दिया था, सबसे बेहतर प्रस्ताव दिया था। शालिनी बात करिए। मंत्री जी ने शांतिपूर्वक बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लक्ष्मी, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे मैं और सुमित सुबह से, कोई बैठक नहीं दी, वो कहते भी जे प्रपोजल भी वाली प्रपोजल है सुनो मंजूर है, फिर आप कोई आगे बैठक कर सकते हैं, आगे बैठक कर सकते नहीं, नहीं कोई बैठक। लगातार फोन पर आ रहे थे, धमकिया पर फोन आ रहे थे, उस चीज नूं लेके कहंदे अंदर मुद्दा उठा, उस चीज नूं पूरा बयान कर दो। देखो दसरपाल जी ने उन्होंने कोल सी जो अननोन नंबर तो जा प्राइवेट नंबर तो फोन आउंदे रहे, कि तू मन जा नहीं तो फिर देखी। जगमोहन जी, हुण केंद्र दी सरकार ने कह दिता कि किसान तय करन कि अगली मीटिंग कदों करनी है। हां हां हां, तय करोगे? नहीं, इह तां तय तां मैं कल्ला कर नहीं सकदा, जे मीटिंग च कल नूं मीटिंग करांगे फिर देखण। हां, 18 मिनट तो बाद कोई गलबात नहीं हुई, जदों ब्रेक ला लेती उस तो बाद कोई गलबात नहीं? बिल्कुल नहीं, 15-15 मिनट ली दो वारी मिनिस्टर आया उन्हें गल कहे गल दोबारा सोचो।
बिल्कुल, तो देखिए लक्ष्मी जिस बात का जिक्र कर रहे थे ना कि सरकार गिरती नजर आ रही थी उन किसान नेताओं को, वही होता नजर आ रहा है। सरकार ने अब पूरी तरह से दबाव बना दिया। जिस तरीके से देखिए नरेंद्र सिंह तोमर साफ साफ कहते हैं कि इससे अच्छा प्रस्ताव अब हम दे ही नहीं सकते, कानून तो रद्द होना नहीं था, वो पहले दिन से आज 58 दिन हो गए सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि कानून रद्द नहीं होगा, लेकिन इससे अच्छा प्रस्ताव हम नहीं दे सकते, अब आप एक राय बना लीजिए उसके बाद। सरकार ने देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से जिक्र किया कि इस कानून में किसी भी तरह की कमी नहीं है, और ऐसे में अब आगे की बैठक क्या होगी उसको लेकर भी साफ तस्वीर हो गई है कि अब कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब इसी प्रस्ताव पर अगर आपको बात करनी होगी तो आप बता दीजिएगा, हम बैठक की तारीख तय कर देंगे, लेकिन अब इससे सरकार झुकने को तैयार नहीं है, ये साफ तौर पर कृषि मंत्री ने कह दिया है। ये आर पार की लड़ाई पे अब सरकार भी उतर चुकी है, ये दिखा रहा है कि सरकार अब इससे ज्यादा झुकेगी नहीं, आपने पूरी तरह से सरकार को झुका दिया। कानून जो है सरकार पूरी तरीके से 2 साल के लिए सस्पेंड करने को तैयार है, कानून 2 साल के लिए रोक देना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है, जिस कानून को सरकार अभी भी 58वें दिन भी कह रही है कि ये कानून में कोई कमियां ना आए। ये जो की सरकार बात सरकार के इस ऐलान के बाद टकराव की जो स्थिति है वो काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए लगातार यहां अब ये कहा जा रहा है किसान संगठनों की ओर से कि अब हम वो लाखों की संख्या में ट्रैक्टर दौड़ाएंगे दिल्ली पे, वो भी 26 जनवरी के दिन। आगे की क्या कुछ स्ट्रेटेजी होगी अब दिल्ली पुलिस की, यह देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि देखिए सेना की भी तैनाती की बात जो है अब वो सामने आ रही है। तो ऐसे में सरकार का जो रुख है एक बार फिर से क्लियर हो चुका है कि इससे आगे सरकार झुकने को तैयार नहीं है, और सरकार अब नहीं झुकेगी, यानी कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दो टुक कह दिया है कि अगर इस प्रस्ताव पर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो आप मत मानिए। आगे खत लिख दिएगा जिस उस प्रस्ताव पे, इन्होंने कहा है कि अगर उस पर बात करनी हो, सहमति बनती हो तो हम कल फिर बात कर लेंगे और किसी दूसरे स्थान पर बैठ के बात हम कर सकते हैं, कल ये बंद होगा, आप सलाह करके हमको बताओ। आप लोगों ने क्या निर्णय लिया, क्योंकि देखिए ये नरेंद्र सिंह तोमर साफ साफ कहते नजर आ रहे थे, और सरकार ने अपनी तरफ से ये भी साफ साफ कर दिया है कि अब आप अपने हिसाब से एक फैसला ले लीजिए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, अब एक फैसला आप लेके सरकार को सूचित करिएगा, तब सरकार की तरफ से एक तारीख जो है बताई जाएगी। जो है वो नहीं मानना है तो बात समाप्त हो गई है, और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी होगा, तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। और 26 तारीख के परेड को लेकर क्या बात हुई आप लोग की? 26 को लेकर कोई बात नहीं, 26 को तो जो होगा सो होगा ही। क्या मंत्रियों ने ये भी कहा है कि आप प्रेस में क्यों गए, अगर जो खारिज साहब ने किया था आप सीधा यहाँ आकर बताते, ऐसी कोई बात हुई है? नैतिकता की बात हुई है कि ऐसा पहले से ही नहीं बोलना चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता। नैतिकता की बात कोई बातचीत एमएसपी को लेकर कोई बात? एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई है, और बस हमने उनको कहा था कि दोनों कानूनों के जो हमारे सर्वसम्मति से पास हुआ है वो ये है कि इन दोनों कानूनों से कम कोई बात होगी नहीं, और सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की तो उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। अब आप दोबारा मीटिंग करेंगे आपस में? दोबारा तो मीटिंग होती रहेंगी, दोबारा की तो मीटिंग प्रपोजल पे दोबारा विचार किया जाएगा। प्रपोजल तो उनकी तरफ से कोई लंबी चौड़ी है ही नहीं ना, कोई दोबारा प्रपोजल आए तो भी विचार करेंगे। घटना हुई जिसके बारे में बात हुई थी, आपके सरकार के साथ बात हुई? हाँ, उसके बारे में बात हुई थी। क्या बात हुई? उन्होंने कहा था कि हमें बताएं अगर कोई ऐसा है, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी ने अपनी मर्जी से कोई पुलिस वाले ने कुछ कर दिया हो तो अलग बात है, कोई सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको कुछ ऐसी प्रताड़ना के लिए कुछ ऐसा किया है। आज का कोई निष्कर्ष निकला नहीं? आज के कोई निष्कर्ष नहीं, जीरो जीरो। तो दोबारा अगर मीटिंग के लिए बुलाया जाता उनकी ओर से तो आप जाएंगे या अप्रोच आप करेंगे, आपकी ओर से ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है, अगर सरकार बुलाएगी तो जाएंगे। ओके, और ये भी हो सकता है कि अगर हमारे कुछ बदलाव आया तो हो सकता है। देखिए लगातार विज्ञान भवन में आज जो 12वें राउंड की बैठक थी ये बिल्कुल बेनतीजा रही। लखविंदर जी आप एक बात बताइए, सरकार क्या बहुत रिजिड नजर आ रही थी, हठी नजर आ रही थी कि अब जो प्रस्ताव दे दिया इससे आगे कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं? देखो आज जो सरकार मैंने पहले भी कहा कि वो लोग शायद हम इस देश का वासी नहीं समझ रहे, और देखे लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर बैठे हैं पर सरकार के पहला प्रस्ताव था, उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं और
कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। आप लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। हाँ आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और एक आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा? ट्रैक्टर रैली क्या होता? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी, ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? धमकी वगैरह भी आ रही है आपको? किसकी? किसानों को भी आ रही, कोई ऐसी बात आई थी किसानों को धमकी आ रहे हैं? चलो कर ले, यही कह रहे हैं धमकी दे रहे हैं हमें, कर ले हो गया ये नहीं है। चलो सर सर, वो कुछ भी बात फूटा था उस पर भी बात हुई है? अरे वो तो पुलिस ने रोक लिया होगा, इतना क्या बात होगा, गिरवा लेंगे शिष्य। 26 तारीख की परेड उसको लेकर क्या रणनीति है? ये तो ये राकेश टिकट को आप सुन रहे थे, ये जब सरकार ने अब इन्हें पूरी तरह से दबाव में ले लिया है, सरकार ने कहा है कि आप अपने एक फैसले के बाद बताइएगा, सूचित करिएगा, तब भी ये झुकने को तैयार नहीं है, यानी कि ये चाहते हैं कि जब भी खतरा हो। देखिए हितेन, इस बैठक से पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम तो ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे, तो निश्चित तौर पर ये सरकार ने होगा तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। साफ हो चुकी है कि अब बैठक तभी होगी जब ये कोई एक फैसला लेंगे वो सरकार के प्रस्ताव पर, तब और तब तक अब हो सकता है कि दिल्ली पुलिस इन्हें परमिशन भी ना दे। डेढ़ साल वाला वो प्रस्ताव बहुत अच्छा है, उदे ते मुड़ गौर करे, असी भी करते हैं। आप उठ के चले गए 15 मिनट बोल के, 15 मिनट से बाद जो दोबारा ये काफी लंबा समा चर्चा की उन्होंने आपसी बैठ के, तो मुड़ के आके उन्होंने ऐलान करता कि जो असी बार बार प्रस्ताव रखे है यूनियन उसको रद्द कर रही हैं, ये प्रस्ताव बहुत अच्छे है, इनको मुड़ विचार करे, गौर करे, जे लोड़ लगे तो हमको बचा दे, इस बाद गलबात एक बार बंद है। कुछ नहीं कर सकते, साफ तौर पर दो टूक कह दिया, जब तैयार हो जाए तब बता देना। सरकार ने साफ कह दिया है अब इससे ज्यादा अड़ियल रवैये को बर्दाश्त सरकार निश्चित तौर पर नहीं करने वाली, ये साफ संकेत दे दिए हैं। सरकार ने कह दिया है कि इससे ज्यादा और कुछ भी हमारे पास नहीं है ऑप्शन, अगर आपको ये मंजूर है तो आप बात करने आइए, अन्यथा आपकी मर्जी। कोई आगे की तारीख इस मीटिंग के बाद तय नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर है कि जो राकेश टिकैत का बयान भी आपने सुना होगा, उनके लहजे, बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ कम्युनिकेशन जो उनका सामने आ रहा है, वो बता रहा है कि अब समझ में आ गया है कि सरकार के तेवर सख्त हो गए हैं, सरकार का रवैया सख्त हो गया है और लाजमी है, क्योंकि लगातार झुकती हुई सरकार के उस फैसले को ठुकराना ये बता रहा था कि ये समाधान की ओर नहीं, अड़ियल रवैये की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और इस बीच सरकार का यह फैसला आगे की कोई तारीख नहीं दी गई है, साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हमारे पास जो ऑप्शन था वो यही था, अब आपको मंजूर है तो देखिए, अन्यथा आप अपने पास स्वतंत्र हैं सोचने समझने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, तस्वीरें सीधे विज्ञान भवन से इस वक्त जी हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, किसानों को केंद्र सरकार का ये आखिरी प्रस्ताव है। टिकैत को सुनिए क्या कुछ कहा। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं, और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके? हाँ आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और एक आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा? ट्रैक्टर रैली क्या होता? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी, ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? धमकी वगैरह भी आ रही है आपको? किसकी? किसानों को भी आ रही, कोई ऐसी बात आई थी किसानों को धमकी आ रहे हैं? चलो कर ले, यही कह रहे हैं धमकी दे रहे हैं हमें, कर ले हो गया ये नहीं है। चलो सर सर, वो कुछ भी बात फूटा था उस पर भी बात हुई है? अरे वो तो पुलिस ने रोक लिया होगा, इतना क्या बात होगा, गिरवा लेंगे शिष्य। 26 तारीख की परेड उसको लेकर क्या? राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, सरकार का आखिरी प्रस्ताव किसानों के सामने
राकेश टिकैत का रवैया बदला हुआ नजर आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस नजर आ रहे थे, कह रहे हैं कि हम कल तक बता देंगे कि हमें क्या करना है, सरकार 5 महीने 6 महीने और इसको आगे बढ़ा सकती है, यानी कि सीधे तौर पर सरकार 2 साल तक का वक्त दे सकती है किसानों को। अब आप ये समझिए कि सरकार अगर 2 साल के लिए होल्ड के लिए तैयार है, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि बातचीत जारी रहेगी, अगर कहीं भी लगता है कि इस बीच आपको संशोधन की आवश्यकता है या एमएसपी को लेकर कोई भी फैसला लेने की जरूरत है, तो एक समिति बनेगी जो लगातार अपनी रिपोर्ट पास करेगी और उसके जरिए आगे क्या निर्णय लेना है ये सरकार तय करेगी। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, सीधे तौर पर ईमानदारी से बताइएगा आज के सवाल का जवाब मेरा, क्योंकि आप अक्सर अपनी लाइन पर बोलते हैं। मैं चाहती हूं कि आज लाइन से हटके आप किसानों के हित में बात करें, मैं चाहती हूं कि आज आप वाकई ईमानदारी से और सहूलियत और समाधान की बात करें। क्या नहीं लगता कि सरकार का यह प्रस्ताव मानने योग्य था? क्या इतना अड़ियल रवैया व्यवहारिक है? क्या ट्रैक्टर रैली को अड़े रहना व्यवहारिक है? अच्छा ये बताइए कि जब सरकार कह रही है कि 2 साल तक आप होल्ड रख सकते हैं, 2 साल होल्ड रखने का मतलब तो ये है ना कि आप उसको विड्रॉ करके अच्छे से 2 साल में एक नया कानून का निर्माण कर दीजिए। 2 साल में मंथन सरकार होगा ना? सरकार क्यों जीत पर 2 साल का वक्त समझ रहे हैं आप? 2 साल में मंथन करेगी ना सरकार? ये तो आप होल्ड और तब जब 2 साल आप होल्ड कर ही देंगे तो इतना लंबा समय आपको मिल रहा है, विंडो मिल रहा है, कितने में तो नए कानून का भी निर्माण हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब आप किसानों का एकदम स्पष्ट रूप से मांग गए यहाँ पे, हमारे अन्नदाता चाहते हैं कि तीनों कानून जो है कि वो हटे, विड्रॉ किए जाए, वो रिपील हो, वो तो फिर ऐसे में सरकार अब क्यों ये कभी वो 1 साल फिर 1.5 साल वो 2 साल के मामले से हटी है? आज आपके शब्द और बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा, साथ नहीं दे रही है राहुल लाल जी, ये प्रमाण है। राकेश सिंह जी, क्या नहीं लगता कि वाकई अब सियासत की कोई गुंजाइश सरकार ने नहीं छोड़ी, लेकिन बावजूद इसके ढूंढी जा रही है? असल में लक्ष्मी जी, वार्ता होती है तो वार्ता किसी बिंदुओं पर होती है ना। सरकार लगातार आप देख रहे हैं जितने दौर की वार्ता हुई, सरकार पीछे हटती है, सरकार संशोधन के लिए बात करती है, सरकार 2 साल के लिए, राहुल जी सरकार 2 साल के लिए होल्ड करने जा रही है, 2 साल के लिए दो कानून आपको पता नहीं, 2 कानून वापस ले लिए, आपके सारे संशोधन और 35 संगठन पूरे राहुल जी 35 संगठन पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, 35 संगठन पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, 400 संगठनों को बिठाइए, फिर वार्ता करिए, वोटिंग करा लीजिए। तो आप जो कह रहे हैं ना, हठधारिता किसकी है, जिद किसकी है, ये सारी जिद ऐसे लोगों की है, इससे ज्यादा एक आपको क्या लग रहा है राकेश? पूरी वार्ता में राहुल जी एक बताइए कि किसान संगठन कितनी मांगों को मार रहे हैं, कितना पीछे हटे, आप ये बताइए कि अभी तक की वार्ता में राहुल जी ये नहीं बता सकते? दीपक झा जी मुझे आप बताइए, जिस दिन किसानों के साथ बातचीत होती है उस दिन कांग्रेस पार्टी एक्टिव होकर ऐसे सियासत भरे बयान क्यों देती है? पहले बातचीत हुई राहुल गांधी कूद पड़े, आज बातचीत हुई अन्याय हो रहा है किसानों के साथ सोनिया गांधी जी कह रहे हैं, ये अन्याय 70 साल में नजर नहीं आया? क्या ऑक्सीजन मिल रही है? क्या आपको पता है कि आंदोलन खत्म हुआ तो सियासी रोटियां जो सेकने का मौका मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा? दीपक क्यों नहीं चाहते कि अन्नदाता का भी भला हो जाए? लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस डिबेट में शुरू होने से पहले जो आपने पूछा था सवाल, तो भाजपा प्रवक्ता जो महिला बैठी है देवी जी, उन्होंने कहा था कि किस अपने किसान को संभाले पंजाब के मुख्यमंत्री, ये देश द्रोही भाषण, उन्होंने सही कहा दीपक जी, उन्होंने सही कहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब से लागू है पंजाब में? दीपक जी आप बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं पंजाब में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब से शुरू है? आपके पास जवाब नहीं है, कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, आप बीजेपी प्रवक्ता के बारे में कह रहे हैं, आप बताइए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब से है राजस्थान में? बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, किसान मामले से जुड़ी आखिरी प्रस्ताव केंद्र सरकार ने किसानों को दे दिया। बड़ी खबर, कानून होल्ड से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती है सरकार, अब ज्यादा तैयार हो जाए तो ठीक है, तब आप बता दीजिएगा जब आपको तैयार होना है इस मुद्दे पर। सरकार के पास आखिरी विकल्प यही था, 2 साल तक फाइनल लास्ट, जो कि राकेश टिकैत अपने मुंह से कहते हुए नजर आए हैं, 1.5 साल का वादा, 18 महीने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि अगर हम चाहेंगे तो सरकार इसको 6 महीने और आगे बढ़ाएगी, 2 साल तक के लिए सरकार तैयार है। वो भी जानते हैं कि जितना नेगोशिएट किया जा रहा है सरकार को, सरकार पूरी कोशिश में है कि चले ठीक है नेगोशिएशन के साथ ही समाधान तो निकले, लेकिन क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत ने पहले एक बार वो भी सुनिए। बातचीत ये हुई कि जो उनको
पहला प्रस्ताव था, उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई डेढ़ साल की जगह दो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब दो साल तक वो कर सकते हैं और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। आप ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके? हाँ बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और एक आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा? ट्रैक्टर रैली क्या होता? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी, ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब? उनसे आपको किसानों को धमकी आ गए, यही कह रहे हैं धमकी दे रहे हैं हमें, कर ले यार, हो गया ये नहीं है। चलो सर, सर वो कुछ भी बात था, फूटा था उस पर भी बात हुई। अरे वो तो पुलिस ने रोक लिया होगा, इतना क्या बात होगा, गिरवा लेंगे शीशे। राकेश टिकैत को आप सुन रहे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं देखिए अगर हमें जरूरत होगी हम कल आकर बता देंगे, अन्यथा और सही एक दो महीने। यानी कि तलख तेवर जो सामने अब तक आ रहे थे उनमें बदलाव हुआ है। हितेन, हितेन आज की इस बैठक के बाद क्या संकेत मिल रहे हैं? आप फैसला इन्हें लेना है, गेंद इनके पाले में सरकार ने दे दी है, सरकार पहले हमने आज बिल्कुल सुन बिल्कुल हितेन, देखिए सरकार ने किसानों के पाले में गेंद डाल दी है, बड़ी खबर और साफ तौर पर बड़ी खबर और चलनी। बिल्कुल तस्वीरें भी मैं दिखा दूं लक्ष्मी आपको, वो पीछे आप देखिए बस लग चुकी है, बस लग चुकी है और जाने की तैयारी हो रही है। आज फिर से मामला वही जस का तस है, आज मामला वही जस का तस है, बस लग चुकी है आप देखिए। और अब सरकार ने कह दिया है कि जो प्रपोजल हमने आपको दिया था ये अब तक बेस्ट था। लक्ष्मी इस बात के ऊपर गौर करना जरूरी है कि नरेंद्र सिंह तोमर बार बार ये कह रहे थे कृषि कानूनों में कोई खराबी नहीं है, हम अब तक जो झुके थे वो आपके सम्मान में झुके थे, अन्नदाता के सम्मान में झुके थे, अब दो साल होल्ड पर रखना इससे ज्यादा सरकार नहीं दे सकती है किसानों को। और अब आप सोचिएगा, आप विचार कीजिएगा, आप मंथन करिएगा और इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप हमारे प्रपोजल को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर आप बताइएगा। एक बार फिर से उधर तस्वीरें दिखाइए, गहमा गहमी भी बड़ी हुई है, बसें लग चुकी है, आज बसों का रंग अलग है। सुबह ही हमने कहा था बस का रंग बदल गया, किसानों के दिलों का जो हाल है वो नहीं बदला, तस्वीर नहीं बदली। और अब 26 तारीख तक कृपा सिंह जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अगली कोई तारीख निकल पाएगी ये लगभग असंभव है, मतलब आपसे लेकर के 26 तारीख तक बातचीत लगभग नहीं हो पाएगी। हर्षा जी बिल्कुल, देखिए शालिनी, और सबसे बड़ी बात ये कि किसान आज जो बाहर निकले हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनालिटी में साफ तौर पर निराशा एक तरह से नजर आ रही थी, क्योंकि आज 12वें दौर की वार्ता केवल 12 मिनट चली थी। किसानों को उम्मीद नहीं थी कि सरकार का प्रस्ताव ठुकराएंगे, उनको लग रहा था सरकार कोई ठोस प्रपोजल देगी, अगला प्रपोजल देगी, लेकिन सरकार ने सिरे से मना कर दिया। सरकार ने कहा हम इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दे सकते, आपने विचार विमर्श किया है किसानों के साथ, और समय लीजिए और विचार विमर्श करिए और बात कीजिए, उसके बाद हमें बताइए, उसके बाद हम आपको तारीख देंगे। और देखिए किसान बहुत हद तक पहुंचा तो था कि सरकार अब उनकी मान लेगी, सरकार बैकफुट पे आ जाएगी, लेकिन इस बार सरकार ने रुख अपना साफ कर दिया, क्लियर कर दिया कि हम और बैकफुट पे नहीं आएंगे, हम जितना झुक सकते थे हम झुक चुके हैं। अब मुझे लगता है आखिरी मैं लौट रही हूँ, चलनी आपके पास मैं लौट रही हूँ। दीपक झा जी, दीपक झा जी, एक बात मुझे आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के नेता ये तो कहते हैं कोरोना काल है, मत मनाइए गणतंत्र दिवस, क्या जरूरत है, लेकिन एक बार मुंह से ये नहीं निकलता कि अगर कोई सरकार ऐसा प्रस्ताव दे रही है तो निश्चित तौर पर उस पर कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए। अपनी तरफ से क्या कोई ऐसा आपने विकल्प दिया, क्या इस बात के लिए कहा गणतंत्र तो नहीं मनाइए लेकिन ट्रैक्टर रैली मत निकालिए, क्या इसके लिए एक बार कोई नेता आके आकर बोला? लक्ष्मी जी देखिए, जिस जनता ने इस सरकार को चुना है इस सरकार उसी का सर और धड़ दोनों अलग कर रहे हैं। एक अब इससे निकम्मापन ज्यादा क्या हो सकता है कि 60 लोग मारे जा चुके हैं, 60 लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी सरकार के कान से जू नहीं रहे। 60 ही क्यों, 70 साल में 360,000 गिनिए, 3,00,000 किसानों ने आत्महत्या की, उनको आप भूल जाते हैं? आपको 60 किसान या 3,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है दीपक जी, उनको भी याद रखिए आप, वो किसकी सरकार में आत्महत्या हुई, किसकी नीतियों से आत्महत्या हुई, क्यों आत्महत्याएं हो रही थी 70 साल तक, कौन थे, कौन सी नीतियां थी, कौन सी पॉलिसी थी, यही थी आप मांग रहे हैं। दीपक जी मुझे उतना ही दुख है, एक सेकंड सुनिए जरा, दीपक जी मुझे तो सुन लीजिए जरा, मुझे उतना ही दुख है उन किसानों का जितना आपको है,
लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि 10 साल में 2004 से 14 तक 171,135 अन्नदाता आत्महत्या कर चुका है, उसके लिए क्यों नजर नहीं आए कभी राहुल गांधी के आंसू? कभी सोनिया गांधी को उनके साथ क्यों नहीं अन्याय नजर आया? कांग्रेस पार्टी को उनके साथ क्यों अन्याय नजर नहीं आया? तब तो ये नया कानून नहीं था। लक्ष्मी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज माहौल ऐसा बन गया है इस देश में, सवाल करो प्रधानमंत्री जी से, जवाब मांगो राहुल गांधी से, सवाल करो भाजपा सरकार से, जवाब मांगो कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से क्या क्या। जब इनके पास कुछ सर छिपाने के लिए नहीं है भाजपा के पास और इनकी सरकारों के पास, तो कांग्रेस पार्टी के जाके छिप जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या गलती किया क्या नहीं किया। जनता के पीछे छुप जाते हैं, विपक्ष के पीछे कब तक छुपिएगा? बता दिया है क्या शांत कर ठीक है दीपक जी, मैं जवाब ले रहे हूँ, मैं जवाब ले रहे हूँ, बीजेपी से ही जवाब ले रहे हूँ, बताइए अल्लाह जी। देखिए, इनको इतनी समझ नहीं है कांग्रेस पार्टी वालों की, 60 साल जिस पार्टी ने इस देश पर राज किया है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद से राज किया है, हाँ यहाँ पे इतिहास भी गलत तरीके से लिख दिया गया, पॉलिसीज इतनी गलत गलत लेकर आ गए हैं। कृषि क्षेत्र जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है 40-45% के करीब रहता था, आज घटके 14% हो गया। सबसे ज्यादा वर्किंग फोर्स जो है वो कृषि क्षेत्र में रहती है, उसके बावजूद जो है कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो सीधी सी बात है आपकी पॉलिसीज गलत थी। बड़ी खबर, बड़ी खबर, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर फतेहाबाद से दिल्ली कूच कर गए हैं। पंजाब के फतेहाबाद से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, फतेहाबाद से दिल्ली की तरफ बढ़े सैकड़ों ट्रैक्टर, हजारों की तादाद में महिलाएं भी जत्थे में शामिल हैं। आज हिसार में आराम करेंगे, कल दिल्ली पहुंचेंगे, 26 जनवरी की रैली में हिस्सा लेने के लिए निकल रहे हैं। क्या सर पंजाब की सरकार ये नहीं जानती? क्या पंजाब की सरकार इस बात की जानकारी नहीं रखती कि 26 जनवरी को दिल्ली में कितना सेंसिटिव जोन माना जाता है, दिल्ली को कितनी संवेदनशील इलाका हो जाता है दिल्ली? क्या पंजाब की सरकार को नजर नहीं आता? क्या इन ट्रैक्टर रैलियों को वहां नहीं रोकना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? 12 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आने का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल समझ रहा हूँ। क्या किसानों को रिपब्लिक मनाने का उनको अधिकार? सर आपकी जुबान इसीलिए लड़खड़ा रही है, इसीलिए लड़खड़ा रही है क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं कि ये लोकतंत्र को कुचलने का तरीका है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। शंखनाद में समय इतना ही था, डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती, शंखनाद में समय इतना ही था, डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती, लेकिन इसी मसले पर अब से 10 मिनट बाद फेसबुक लाइव पेज पर जी हिंदुस्तान के मैं आपके साथ जुड़ूंगी। आप मेहमान होंगे, आप दर्शक होंगे, आपके सवाल होंगे, सीधे सवालों का जवाब, जुड़िए मेरे साथ जी हिंदुस्तान के फेसबुक लाइव पेज पर शाम 6 बजे। नमस्कार।